आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। बड़ी राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। चुनावों से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर सामने आ रही है, मौर्य ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा। मौर्य ने राज्यपाल को भेजा अपना इस्तीफा। बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता, एक बड़ा चेहरा, श्रम और सेवा योजन मंत्री मौर्य ने अपने पद से दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया मौर्य ने, बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जा रही थी। 2016 में बीएसपी छोड़ा था, अब बीजेपी का भी साथ छोड़ दिया है, बड़ी खबर सामने आ रही है। कई अटकलें लगाई जा रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय से सरकार से नाराज भी चल रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस्तीफा दे दिया है मौर्य ने। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्या कहेंगे इस पे? कितने अहम थे बीजेपी के लिए ये मंत्री? देखिए जगह, मैं आपको बताऊं कि हेलो जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा नाम थे, पहले बसपा में भी थे। तो बसपा में अगर देखा जाए तो कहा जाता था कि सुश्री मायावती जी जो बसपा की जो प्रमुख है, उनके नवरत्नों में एक थे और बड़ा नाम थे। और हमेशा से ऐसी जातियों का प्रतिनिधित्व करके आए थे जो कि ओबीसी और पिछड़ी जातियों, दलित जाति का चेहरा माने जाते थे। और जब भाजपा में शामिल हुए थे तो माना जाता था कि बड़ा उनको लाभ मिलेगा, पर उनको भाजपा सरकार में केवल श्रम और रोजगार मंत्री, उनको सेवा योजन मंत्री बनाया गया था। और उसके बाद सुना जा रहा था कि चुनाव के चलते लगातार नाराज भी चल रहे थे, उनका कहना था। अभी उन्होंने आरोप भी लगाया है कि भाजपा जनता पार्टी में लगातार दलित और जो ओबीसी जाति है, पिछड़ी जाति है, उनका लगातार जो है नजरअंदाजी की जा रही है। इसमें मैं काफी नाराज हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, इसे जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसी उन्होंने बीच में कुछ ऐसी जानकारी दी भी थी। मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने आज बड़ा ऐलान करते हुए और अपना इस्तीफा जो है आनंदीबेन पाटिल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उनको भेज दिया है। और ये भी जानकारी आ रही है, जल्द ही वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, सूत्र बता दें कि जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री थे, वो जल्द ही समाजवादी पार्टी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है आज दोपहर 3 बजे वो समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता ले सकते हैं। जी गौरव, जिस तरह से बड़ा चेहरा रहे, मौर्य समाज को साथ लेके चले हैं हमेशा, और बड़ा जो जनता का समर्थन मिला है इनको, क्या लगता है अगर ये बीजेपी से चले गए तो कितना बड़ा झटका है ये बीजेपी? निश्चित रूप से मैंने आपको पहले ही बताया कि दलित और ओबीसी जाति, पिछड़ी जाति का बड़ा चेहरा है, चाहे वो अगर बसपा सरकार की बात करें या भाजपा सरकार की बात करें, तो बहुत अहम ये उनका जो इस्तीफा रहेगा, बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। तो निश्चित रूप से जो बड़े चेहरे होते हैं, और जैसा कि हमने देखा है कि अगर उत्तर प्रदेश के हम जाति के समीकरण की बात करें तो लगभग दलित और पिछड़ी जाति के वोट जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 40% से ऊपर है। तो निश्चित रूप से बड़ा यहाँ पर नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अब इस नुकसान की भरपाई किस तरह करेंगे, क्योंकि बड़ा चेहरा थे जो बहुजन समाज पार्टी में बड़ा जनाधार इनके था, और जब भाजपा में आए थे भाजपा को निश्चित रूप से बहुत मजबूती मिली थी। पर जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल चुनाव के समय, जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 7 चरणों में चुनाव होने वाला है और 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नामांकन होने हैं, इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, तो निश्चित रूप से बड़ा यहाँ पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सकता है। और इस नुकसान को कैसे पूरी करेगी, कैसे इसको इस नुकसान की भरपाई करती नजर आएगी, ये तो फिर वक्त होता रहेगा। जी गौरव, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है जहाँ की वो कई दिनों से नाराज चल रहे थे, अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे। तो अब जब बीजेपी का दामन छोड़ दिया है तो जिस नई पार्टी में जाएंगे तो क्या बेटे को भी उस पार्टी से टिकट मिलेगा? देखिए अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया उन्होंने कि लगातार ओबीसी और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हमेशा नजरअंदाज किया जाता, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। पर अब अपने पुत्रों के टिकट मांग रहे थे, जो भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल उनका अभी आरोप केवल नजरअंदाजी का है। उनका कहना है कि उनके रहते भी उनके लोगों के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे थे और लगातार दलित और पिछड़ी जातियों को निर्णय किया था, इस कारण वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जी गौरव, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह बताई इस्तीफा देते समय मौर्य ने? मौर्य ने अभी सर जो मैंने अभी आपको बताया शिखा, उसको बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि दलित एवं पिछड़ी जातियों का, जिनका वो चेहरा माने जाते हैं,
जो उनसे जुड़ी हुई है उनका हमेशा से कहना है कि वो जनता के नेता हैं और वैसे जनता की काम करते आ रहे हैं, पर उनके द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन जातियों को पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा था, इस कारण वो नाराज होकर अब उन्होंने पार्टी के पद से जो मंत्रालय उनको मिला हुआ था उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी, तो अब योगी सरकार क्या करेगी, जब योगी कैबिनेट को छोड़ के इतने बड़े चेहरा जा रहा है तो अब ये पदभार के लिए किसको चुन सकती है बीजेपी? देखिए, परिवार तो अब चूंकि चुनाव पास आ गया तो परिवार का बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, पर यहाँ पर जो चेहरा है उसका बहुत बड़ा मूल्य रहेगा, क्योंकि जिस तरह से दलितों में पिछली जाति को बड़ा चेहरा थे, भाजपा सरकार में भी रहे हैं, भाजपा सरकार में तो निश्चित रूप से खामियाजा यहाँ पर भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा चेहरा ऐसे वर्ग के रहे हैं जिसका बहुत प्रतिशत उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे ज्यादा है, तो निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। जी गौरव, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या सपा ज्वाइन कर सकते हैं या फिर से बसपा में जा सकते हैं बीजेपी का नामन छोड़ के? देखिए, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, सूत्रों के मुताबिक सपा भी जा सकते हैं, बसपा भी जा सकते हैं, अब तो ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जानकारी सपा की भी मिल रही है, बसपा की भी मिल रही है कि पुरानी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, स्पष्ट कुछ नहीं है, पर ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अब चूंकि मंत्रालय से इस्तीफा दिया है तो निश्चित रूप से किसी ना किसी पार्टी में ज्वाइन जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है। यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो की एक बड़ा चेहरा है और मौर्य समाज को साथ लेकर चलते हैं और कैबिनेट मंत्री थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। योगी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, इससे पहले बीएसपी में रहे थे, बीएसपी का दामन छोड़ के बीजेपी में आए थे और बीजेपी का दामन भी अब छोड़ दिया है। तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे अटकलें देखने को मिल रहे हैं और सूत्रों के हवाले से भी कई खबरें सामने आ रही हैं कि नाराज चल रहे थे या फिर कुछ अन्य वजह रही थी, अन्य मांगे रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अब बीजेपी का दामन भी छोड़ दिया है। चुनावी माहौल है और 7 चरणों में मतदान का ऐलान भी हो चुका है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और उससे पहले ये बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, क्योंकि पिछड़े समाज को लेकर चलते थे और पिछड़े वर्ग को साथ में लेकर चलते थे, तो बीजेपी को इससे बहुत सपोर्ट मिलता था क्योंकि एक वर्ग विशेष को साथ में लेकर चल रहे थे, मौर्य समाज को साथ लेकर चल रहे थे, तो इससे बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले एक बड़ा चेहरा, यूपी का बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मौर्य समाज को साथ लेकर चलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो कि श्रम और समायोजन मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे योगी कैबिनेट के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की राजनीतिक खबर। तो चुनावी माहौल है, चुनाव सिर पर है और ऐसे में पार्टी छोड़कर दूसरे दल से मिल जाना, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किस दल के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जरूर बड़ा झटका है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सपा से विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा में शामिल हो सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपके चैनल को कि आप लोगों ने इतने ज्वलंत विषय को उठाया है लोगों के सामने। देखिए, ये पीड़ा है, ये जो दूसरे दल के, दूसरे समाज के लोग आज भाजपा में अपना स्थान बनाने के लिए, जगह ढूंढने के लिए गए थे, सम्मान पाने के लिए गए थे, उनको कुछ ही समय में पता चल गया कि भाजपा में सम्मान केवल और केवल चाटुकारिता का है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप देख सकती हैं कि केवल स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ना करिए, आप अन्य दलों को भी देख लीजिए जो उनके साथ गठबंधन में थे, वो भी अब स्वयं चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको भाजपा की कथनी और करनी का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमेशा कह रखा है कि जो भी समाजवादी विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में कार्य करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे। जी विवेक जी, जिस तरह से मौर्य समाज को और एक वर्ग विशेष को पूरा साथ लेके चलते हैं, तो अगर सपा में शामिल हो जाते हैं मौर्य, तो क्या लगता है सपा को उससे कितना फायदा हो सकता है और बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, यहाँ पे बात एक राजनीतिक दल के फायदे या नुकसान की नहीं है, मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ ये बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे बात है कि राजनीतिक भविष्य इन लोगों का अधर में लटक चुका है, अधर में जा चुका है, जो लोग अपने दलों को छोड़ करके भाजपा के भरोसे चले थे,
कि एक समंदर में कमंडल खिलाएंगे, आज वो कमंडल डूबने की कगार पे है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, ये एक दिन की पीड़ा नहीं है, ये एक दिन की पीड़ा नहीं है, ये लगातार अवहेलना, लगातार नजरअंदाज किए जाने और लगातार अपने समाज के बीच में उपेक्षा उपेक्षित किए जाने का परिणाम है कि आज दूसरे दलों के, दूसरी जातियों के जो नेता हैं, क्योंकि इन भाजपा वालों ने केवल जातियों में बात करके नेताओं को बरगलाने का काम किया है। किसी भी जाति का उत्थान, किसी भी जाति के लिए कोई कार्य अगर भाजपा ने किया हो वो स्पष्टीकरण दे, लेकिन ये ऐसा कहीं धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देता। और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए घर वापसी अब हर नेता की एक मजबूरी बन चुकी है। जी विवेक जी, ट्विटर पे एक पोस्ट अब ट्रेंड करने लगा है जो अखिलेश यादव का है, जिसमें उन्होंने फोटो साथ में शेयर करते हुए स्वागत है लिखा है, तो क्या शामिल हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय धर्म में एक परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव, अगर हमारे दरवाजे पे कोई भी आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे रेड कार्पेट बिछा करके, जैसे हमने अन्य दलों का किया। लोग बड़े दलों के पीछे भागते हैं, हम तो छोटे छोटे दलों का स्वागत करके उनको गले लगाने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आने वाली विकास की गति को और मजबूती प्रदान की जा सके, हर धर्म हर जाति के लोगों को साथ लेकर के। जी विवेक जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो नाराज होकर उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, तो अगर सपा में आते हैं तो क्या बेटे को भी टिकट मिलेगा सपा से? देखिए, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय होगा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे बात बेटे की नहीं है, बात यहाँ पे योग्यता की है। अगर उनका बेटा योग्य है तो बिल्कुल उसको लड़ाया जाएगा, मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। राजनाथ सिंह जी के भी दोनों बेटे राजनीति में है भाजपा में, इस तरह भाजपा के कई नेता हैं जिनके पुत्र किसी न किसी पदभार को संभाले पड़े हैं, तो ये तो देखिए केवल एक व्यंग है या कटाक्ष है या राजनीतिक द्वंद की बात होती है कि केवल जीतने के लिए लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बाकी परिवारवाद जैसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि आज का युवा, आज का जवान, आज का किसान केवल और केवल योग्यता के पैमाने पे ही लोगों को और नेताओं को अपने चुनता है। जी विवेक जी, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से पहले बीएसपी में थे और वहां से दामन छोड़ के बीजेपी में आए और अब अंतिम समय में जब इस तरह का चुनावी माहौल है, चुनाव सिर पे है, मन मुटाव को चलते बीजेपी छोड़ दी तो सपा में आएंगे, तो आपको लगता है कि भरोसा करना चाहिए और साथ निभाएंगे सपा का भी? देखिए, एक आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये सवाल कई चैनलों पे, राष्ट्रीय चैनलों पे चलेगा और पूछते भी हैं लोग, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, एक जनप्रतिनिधि के पीछे लाने का उद्देश्य केवल वोट बैंक नहीं होता है, उद्देश्य होता है उन लोगों के विश्वास को बचाए रखने का जिन लोगों ने उसे चुना है। अगर केशव मौर्य जी हमारे साथ आते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मुख्य लक्ष्य है उनके पीछे जो आम जनता, आम जनमानस है, उसके विश्वास को बचाए रखने, बनाए रखने का काम करना है और उनके लोगों को रोजगार देना है, उनके लोगों को समाज की परिधि में बराबर की सहभागिता प्रदान करने का कार्य हमें करना है, जो कि समाजवादी पार्टी हमेशा करती आई है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा मतलब लोग पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बात वोट बैंक की नहीं होती है, किसी भी हर जननेता के पीछे, हर जननायक के पीछे देखिए एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी भीड़ होती है, उस समाज के लोग होते हैं जिनका विश्वास जुड़ा होता है कि ये सदन में जाएंगे और हमारे समस्याओं को रखेंगे और उसका निराकरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है किसी भी जाति के नेता को अगर शामिल किया है तो केवल और केवल वोट बैंक पाने के लिए किया है, मतदान पाने के लिए किया है और सरकार की कुर्सी बचाए रखने के लिए किया है, क्योंकि इनके कोई काम धरातल पे दिखाई नहीं दिया और हर समाज, हर वर्ग के लोग इनसे नाराज हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े थे, सपा से प्रवक्ता है। तो सीधे तौर पर अब अखिलेश का ट्वीट भी सामने आ गया है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए अखिलेश नजर आ रहे हैं, एक तस्वीर शेयर करी है और इस्तीफे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि तस्वीर सामने आई है जो इस्तीफा दिया गया है उसकी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, क्या कहेंगे इस पे, कितनी बड़ी खबर है ये? जी बिल्कुल, आपको बता दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज यहाँ पर इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल तो तेज हो ही गई है, लेकिन इसके बाद एक तो चुनाव लगभग एक महीना बाकी रह गया, उससे पहले यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं मौर्य समाज का जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि आने वाले समय में वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने
सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, पूरी तरह से पार्टी छोड़ने की बात नहीं कही गई है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अभी तमाम तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। पीछे बीते पाँच साल पहले वो BSP से BJP में ज्वाइन हुए थे और अब समाजवादी पार्टी जाने की बात कही जा रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरह से ये बात नहीं कही जा सकती कि वो समाजवादी पार्टी। सुनील साजन जी जुड़ चुके हैं इस खबर पे। सुनील साजन जी, जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई है, अखिलेश स्वागत करते हुए भी दिख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कहेंगे? नहीं, मैं केवल एक बात कह सकता हूँ जी, कि पिछड़ों और दलितों की लगातार आवाज उठाते रहे हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और जो पिछड़े और दलितों के खिलाफ अन्याय हुआ है, उनको अपमानित किया गया है, उसका बदला अब लेने का वक्त आ गया है। जिस योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े और दलितों के बच्चों का आरक्षण छीन लिया, नौकरी नहीं दी, जिनका आरक्षण छीना है वो सरकार छीनेंगे, इस फोटो का सिर्फ यही मतलब है जी। तो यानी कि पूरी तरह से सपा अपने साथ जोड़ना चाह रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और जिस तरह से अखिलेश स्वागत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितने समय तक दोनों की जोड़ी आगे तक चल पाएगी? नहीं, वो जोड़ी तो फोटो में तस्वीर में दिख गई है जी। ये जोड़ी अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी जी, और हर उस किसान का, नौजवान का, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, व्यापारी, बहन, बेटियां, जिनको अपमानित होना पड़ा है, उसका बदला राजनीति में वोट से होता है जी। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, जिन पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना है योगी ने, BJP ने, वही दलित और पिछड़े अब सरकार छीनेंगे उनसे जी। तो सुनील जी, क्या यही वजह है जो आरक्षण नहीं मिला, इसी वजह से बीजेपी का दामन छोड़ के सपा में आए, या कोई और वजह है? क्योंकि कयास तो बहुत कुछ लगाए जा रहे हैं। वजह है जी, मैं कह रहा हूँ, जिन पिछड़े नेताओं को बीजेपी में स्टूल मिलती हो जी, कुर्सी न मिलती हो, जहाँ बहन बेटियों की आबरू लूटने वालों को, अगर वो उनकी जाति के होते हैं तो उनको राष्ट्रवादी बताया जाता है जी, किसानों को बर्बाद कर दिया, पिछड़े दलितों को बर्बाद कर दिया, तो घुटन के एक कारण नहीं है, बहुत कारण है, और क्योंकि समय पर फैसले होते हैं, ये समय है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फैसला लिया है जी। उनका इस्तीफा आज मान लीजिए कि 10 मार्च को इसी समय तक योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा जी। सुनील जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को लेकर चलते हैं और सपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा झटका है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौर्य समाज को लेकर चल रहे हो, केशव प्रसाद मौर्य भी, तो क्या ये बड़ा झटका है या फिर बीजेपी संभल जाएगी? बीजेपी नहीं संभल पाएगी जी, बीजेपी खत्म हो गई, बीजेपी केवल औपचारिकता का चुनाव लड़ेगी, जिसके विधायक, जिसके सांसद पूछे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो जी, वो कैसे गांव में घुसेंगे? और मैं कह रहा हूँ कि जब पिछड़े और दलित एक हो गए जी, हम कह रहे किसान एक हो गया, व्यापारी एक हो गया, बहन बेटियां समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, तो क्या बचा है बीजेपी के पास? केवल झूठ और नफरत जी, खत्म बीजेपी जी। सुनील जी, तो क्या ये कई दिनों से समीकरण बन रहे थे कि पार्टी बीजेपी का दामन छोड़ के सपा में आ सकते हैं, क्या चुनाव से पहले और भी कई नेता जुड़ेंगे सपा से? मैं केवल ये कह सकता हूँ कि बीजेपी से इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ है जी। अभी बहुत इस्तीफे होंगे और इस्तीफे का सिलसिला 10 मार्च को रुकेगा, जब योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा हो जाएगा जी। तो मतलब बीजेपी का दामन छोड़ के अभी कई और नेता के आने के कयास लगाए जा रहे हैं? जो भी चाहते हैं लोग जी, जो नेता पिछड़े दलितों का हक चाहते हैं, किसानों की तरक्की चाहते हैं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश तरक्की की तरफ जाए, ऐसे सारे लोग अभी इस्तीफा देंगे जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ सुनील साजन जी, सपा प्रवक्ता जुड़े थे, तो जिन्होंने साफ तौर पे बोला है कि बीजेपी का सफाया होने वाला है, बीजेपी के कई और ऐसे नेता भी हैं जो दामन छोड़ के बीजेपी का सपा में जुड़ सकते हैं। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए एक और संवाददाता सुचि विश्वास जी जुड़ चुकी हैं। सुचि जी, बड़ी खबर सामने आ रही है और अब सपा भी स्वागत कर रही है स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है,
उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और देश के विनाश के द्वार खोल दिए, देश पर कर्ज चढ़ा दिया, बेरोजगारों की फौज तैयार कर दी, प्रोपेगेंडा की मशीन शुरू कर दी, कंट्रोवर्सीज में वो टॉप पर रहे। सिर्फ उन्होंने पुरानी सरकार की योजनाओं के नाम बदले हैं, इसके अतिरिक्त प्रदेश को भुखमरी दी है। महामारी में आपने देखा ही कि क्या हालात रहे, तो इस डूबते हुए जहाज से लोग लगातार उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में अपनी साख को बचाना मुश्किल होगा और जनता समझ चुकी है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति के अतिरिक्त इनके पास कोई अस्त्र नहीं है। जी, तो जिस तरह से बीजेपी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं नेता, तो क्या बीजेपी की ऐसी कौन सी नीति जिससे परेशान हो चुके हैं और दूसरी पार्टियों की तरफ भाग रहे बीजेपी नेता? देखिए, आपने देखा पांच साल में, एक तो कोरोना की पैंडेमिक की जो फेल्योर है, हर परिवार ने प्रियजनों को खोया है, ऑक्सीजन की कमी हो या नाइजीरिया से आने वाली लाशें हो या फिर अस्पतालों तक की व्यवस्था रही हो, है ना, पत्रकारों पर होने वाली कार्यवाही रही हो, मिड डे मील में नमक रोटी रहा हो, सीएचसीज और पीएचसीज हो या फिर क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली रही हो, कोविड की टेस्टिंग रही हो, वैक्सीनेशन रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रहा हो। ये जेवर में एयरपोर्ट में बीजिंग का फोटो लगा देते हैं, बंगाल में जाके एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का दावा करते हैं और उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, किसानों का नरसंहार करके उस टेनी को बगल में खड़ा करते हैं और बाहुबली ढूंढते हैं दूरबीन से गृह मंत्री। तो जो अराजकता का चरम है उत्तर प्रदेश में, उसके अंत का काल निकट है और सभी लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं, वो जनता भी है और भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के पदाधिकारी और नेतागण भी हैं। तो सिलसिला जारी है। जी सुची जी, जिस तरह से गठबंधन पे गठबंधन कर रही है सपा और जैसे नेता जुड़ रहे बीजेपी के भी सपा में, तो क्या लगता है कि सपा की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस कहाँ है पूरी राजनीति में? कांग्रेस मजबूत खड़ी है और प्रियंका जी के नेतृत्व में संगठन लगातार अपना स्वरूप अख्तियार कर रहा है। एक लंबे समय से हम सत्ता में नहीं थे, लेकिन हमने विगत दो वर्षों में अपने संगठन को स्ट्रांग किया है और हम ही जनता के विषयों को लेकर दो बरस से जनता के बीच खड़े हैं। 68 लाख लोगों को करीब राशन बांटा गया, मजदूरों के लिए बसेज 1000 सड़कों पर उतारी हो या फिर डेटॉल या फिर वैक्सीनेशन की या फिर राशन की किट्स का वितरण रहा हो, है ना, या फिर कंसंट्रेटर्स रहे हो या फिर सोनभद्र, उम्मा, हाथरस, लखीमपुर में श्रीमती प्रियंका गांधी की मौजूदगी रही हो। मजबूती से हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के विषयों के साथ खड़े हैं और यकीनन जनता भी हमारे साथ है, हम प्रतिदिन स्ट्रांग हो रहे हैं। जी सुची जी, क्या लगता है आने वाले समय में क्या आपका भी किसी और पार्टी से गठबंधन हो सकता है या फिर कोई बीजेपी का नेता आपके साथ भी शामिल हो सकता है? देखिए, रोज ही हमारे साथ नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अभी आज तक और इंडिया न्यूज की एंकर निदा अहमद ने आज ज्वाइन किया है, अभी कुछ दिन बराबर डेली ही ऐसा हो रहा है कि हमसे नए नए लोग जुड़ रहे हैं। तो हमने कहा ना कि संगठन हमारा लगातार विस्तार ले रहा है, जनता के विषय हम लगातार उठा रहे हैं और जो भी आएगा उसको मजबूती से लोकतंत्र को स्थापना करने में कांग्रेस ने हमेशा विश्वास किया है, संवैधानिक देश संवैधानिक तरीके से चले। जी, जो ये सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में है और कांग्रेस काफी लंबे समय तक दूर रही है यूपी की राजनीति से, इसका काफी प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पे भी? हाँ, निश्चय ही, पीछे एक लंबा लगभग 30 बरस का ऐसा काल है जिसमें हम सत्ता से बाहर रहे, तो कई सारे अलायंसेस हुए, कई बार हमने कई विषयों में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा दल है तो आप समझिए कि आज भी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर हमने लगातार संगठन को स्ट्रांग किया है और आने वाले समय में हम बहुत मजबूती से खड़े होंगे, क्योंकि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आने के बाद से जो उत्साह का स्तर है जनमानस में, जो उनकी स्वीकार्यता है और फिर सांप्रदायिक ताकतें जो सत्ता में हैं, जो फासिस्ट विचारधारा है, जो संघ की जहरीली सोच है, जो किसानों और नौजवानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, लोग इससे आहत हैं और देश ने हमेशा संविधान के पालन पोषण के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का चयन किया है, देश का विश्वास गांधी में है। जी, तो उसी विचारधारा को पोषित करने के उद्देश्य से हम श्रीमती प्रियंका गांधी और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और यकीनन हम सांप्रदायिक ताकतों से देश को मुक्त करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैं से जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से सुची विश्वास जुड़ी थी और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरह का इतिहास रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्या कहेंगे कि दूसरी पार्टी में चले गए, पहले बीएसपी फिर भाजपा, अब अगर सपा का दामन थामते, जिस तरह से अखिलेश का ट्वीट भी सामने आया है वो स्वागत कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि 90% वो सपा में जुड़ चुके हैं, तो जिस तरह का उनका इतिहास रहा है क्या कहेंगे, इससे कितना फायदा मिलेगा सपा को? अजहर, आप सुन पा रहे हैं?
राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। श्रम और सेवा योजन मंत्री थे और कई अटकलें लगाई जा रही थी कि कई वजह से जो है नाराजगी थी और उसी नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया है। हालांकि हमारे पास अभी भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सपा और कांग्रेस की तरफ से जरूर प्रतिक्रिया सामने आई है और सभी ने कहा है कि जिस तरह का काम रहा है बीजेपी का, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन जो इस्तीफा दिया है वो यही बता रहा है कि सपा के साथ जुड़ने का जो पहले से तैयारी चल रही थी, समीकरण देखने को मिल रहे थे, जो भी बातचीत उनकी चल रही थी और जिस तरह से अब अखिलेश ने फोटो साथ में शेयर किए, ये बता रहा है कि पहले भी बातचीत हो चुकी है दोनों में, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। और हमारे साथ इसी खबर पे संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरह का इतिहास रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्या कहेंगे, सपा को कितना फायदा हो सकता है इससे? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से अटकलें बीते दिनों लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, और आज जैसा कि देखा गया, जैसा कि सपा प्रवक्ता का कहना है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक फ़ोटो शेयर करके ये जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। और जैसा कि आप देखा है कि 5 साल पहले इन्होंने बसपा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और अब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को तो इसका फायदा होगा ही और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता जरूर नजर आ रहा है। जी तो क्या लग रहा है, कोई बड़ा पद मिल रहा होगा सपा की तरफ से सरकार बनने के बाद, इसी वजह से दूसरी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? जी बिल्कुल, साफ तौर से जैसा कि कहा जाए कि जो वर्तमान पार्टी में जिसमें ये हैं उसमें फिलहाल ये कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, और कहीं ना कहीं जब आप किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा पद ज़रूर मिलेगा। और जो वजह बताई जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में जाने की, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की कई वजहें हैं जो ऐसी जो बताई जा रही हैं, कहीं टिकट को लेकर नाराज़गी बताई जा रही है, तो कहीं जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित समाज है उन तमाम मुद्दों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर जो नाराजगी है वो देखी गई है, इसको लेकर वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो तमाम तरह की बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य का खुद साफ तौर से कुछ बयान आएगा कि आखिर क्या मामला रहा जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी शामिल की। जी तो क्या एक और वजह ये भी मान सकते हैं हम कि जिस तरह से बीजेपी का कार्यकाल चला है 5 साल का और अब जनता की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसमें दूसरा मजबूत दल सपा ही लगा, जिस वजह से सपा का दामन थाम लिया है, क्योंकि कांग्रेस भी थी और बाकी भी पार्टियां थी तो उनके साथ दामन नहीं जोड़ा अपना, और साथ ही जो हमारे साथ जी आपको अजहर मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके बीजेपी से नेता हैं और हम बीजेपी से अब सवाल करेंगे कि विवेक जी, जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई है बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्या कहेंगे, क्या बीजेपी को इससे खासा फर्क पड़ेगा या जैसे चल रहा था सब वैसे ही चलता रहेगा? विवेक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी है शिखा जी, और ऐसे लोग राजनीतिक रूप से जुड़ते भी हैं और राजनीतिक रूप से चले भी जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, ऐसे लोगों के आने जाने का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने काम के दम पे, अपने नेताओं के साथ आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे जी। ये लोग हमेशा से दल बदल करने के आदि रहे हैं और ये इनकी पुरानी प्रवृत्ति है जी। और लोग इनको जानते हैं, इनके रग रग से लोग वाकिफ हैं, इनके आने जाने का भारतीय जनता पार्टी के आगे वाले दिनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला जी। विवेक जी एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जो गौरव भाटिया का ट्वीट सामने आया है जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताया है, क्या कहेंगे इस पे? जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य बता रहे गौरव भाटिया, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बता रहे हैं, ट्वीट सामने आया है गौरव भाटिया का, क्या कहेंगे इस पे? देखिए केशव जी हमारे कैडर बेस्ड पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और हमारे साथ काम किए हैं, हम लोगों के बीच से वहां तक गए हैं जी। तो उनके प्रति लगाव होना लोक कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक है और स्वामी प्रसाद जी इतने समय में भी कार्यकर्ताओं से अपने आप को जोड़ नहीं पाए, ना कार्यकर्ता उनसे जुड़ पाया जी।
जी, कि कहीं ना कहीं उनके जो चरित्र में नकारात्मकता थी वो परिलक्षित होती है जी। और उन्होंने अपना आगे वहां का रास्ता देखा जहां वो उनको अच्छा लगेगा, और कार्यकर्ता ने भी बड़ा सुकून महसूस किया, तो उसी की अभिव्यक्ति गौरव जी ने की है, उसको उसी तरीके से लिया जाना चाहिए जी। विवेक जी, जिस तरह से पार्टी छोड़ दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, मौर्य समाज को लेकर चलते थे, उनके पीछे भी एक बड़ा वर्ग विशेष रहा है, और केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी मौर्य वर्ग रहा है, तो क्या लगता है कि दोनों के साथ मौर्य वर्ग रहा है, तो क्या कुछ वोट बैंक बट जाएंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद जी परिवार की राजनीति करते हैं जी, कहीं बेटी के लिए टिकट मांगते हैं, कहीं बेटे के लिए टिकट मांगते हैं जी। और मौर्य वर्ग उनके साथ कितना रहा ये अच्छी तरह आप भी वाकिफ हैं। इतनी बड़ी लहर में भारतीय जनता पार्टी की भी अपने बच्चे को, अपने लड़के को जिताने में नाकामयाब रहे जी। तो ये तो आप मान लीजिए कि मौर्य वर्ग किसके साथ है, ये आप खुद समझ सकती हैं जी। ये तो मोदी जी की लहर थी जिसमें ये सरकार बनी, और उन्हीं की लहर, उन्हीं के काम को देखते हुए फिर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने जा रही है जी। तो यानी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से। और अभी पोस्टर भी सामने आया था जहां पे योगी और मोदी दिखाई दे रहे थे, तो सिर्फ योगी और मोदी के चेहरे पे ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में विकास की गंगा बही है जी, हम भी दोनों चेहरों के दम पे चुनाव में जा रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और हमें आगे मिलता रहेगा, और हमें पूरा भरोसा कि 10 मार्च को हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लोगों के आने जाने का कोई असर भारतीय जनता पार्टी के सेहत पे पड़ने वाला नहीं है जी। विवेक जी, अभी हमारी सपा के प्रवक्ता से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि ऐसे और कई नेता हैं जो कि बीजेपी में परेशान हो चुके हैं, बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है, जिसके बाद वो अब सपा में शामिल होंगे, चुनाव तक अभी कई नेता शामिल होंगे, तो क्या इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी हालत उसी बिल्ली की तरह है जो देख रही है किसी तरह हमारे भाग से छीका टूट जाए जी, तो ये छीका टूटने का इंतजार करते रह जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पुनर्वापसी कर जाएगी जी, और ऐसा इनके भाग से कुछ होना जाने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका बीजेपी खुद से टिकट काटने वाली थी जी, कार्यकर्ता जिसके बारे में निगेटिव फीडबैक दे रहा था जी। तो ऐसे लोगों को अगर वो ले जाना चाहते हैं शौक से ले जाए, दो चार और लेके जाए, भारतीय जनता पार्टी के सेहत पे इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया गया अंधकार, बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरव भाटिया का ट्वीट आया सामने जहां केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से हलचल देखने को मिल रही है, यूपी की जो राजनीति है उसमें बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इससे पहले सपा की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ गौरव भाटिया का भी ट्वीट सामने आया है। बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है जहां अब केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताया गया है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पे सन्नाटा देखने को मिल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, चाक चौबंद है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरह से अब गौरव भाटिया का ट्वीट सामने आया, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें शिखा, जिस तरह से केशव स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी ने लगातार अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनको पार्टी में आने की बात कही थी, तो वहीं इसका पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी ट्वीट करके उन्हें अंधकार कह के एक कटाक्ष करने का काम किया है, और केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार कहने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है, और आज जैसा कि केंद्रीय नेतृत्व में जो पश्चिम विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर पहले और दूसरे चरण में जो सीटें तय होनी थी वो होने वाली थी, और इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का
पार्टी छोड़ देना तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ये भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई और ऐसे विधायक हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी जी, और जिस तरह से ये कटाक्ष किया गया है, अभी तक बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि ऐसे किसी भी नेता का आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मौर्य समाज की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य तो अभी भी बीजेपी के साथ है और ज्यादा समर्थन नहीं था मौर्य समाज का स्वामी प्रसाद मौर्य को। इसमें क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वोटों का जो बंटवारा है वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आधे समर्थक कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और आधे समर्थक केशव प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे। तो जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है वो तो अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा तो जरूर देखने को मिलेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा कद नहीं था, वो कैबिनेट मंत्री थे, एक बड़ा चेहरा थे। जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी अजहर, क्योंकि हम अब बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपना बयान दिया है और वो कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे मंत्री हैं और हमारे साथ संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात पहले पूरी करें। जी अजहर, जिस तरह से चुनावों में अब चुनावी समय है और वोटों का बंटवारा भी होगा, क्योंकि अब सपा के साथ जुड़ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और पहले बीजेपी के साथ थे और बीजेपी में मौर्य समाज को लेकर चलने वाले केशव प्रसाद मौर्य भी है, तो चुनावों के बंटवारे से बीजेपी को और सपा को कितना फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में जाने की जो निर्णय लिया है, तो वहीं बसपा भी थी और कांग्रेस भी थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मेन कॉम्पिटिटर है, जो एग्जैक्ट प्रतिद्वंदी है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में ही जाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं इससे समाजवादी पार्टी को मजबूती ज़रूर मिलेगी और वोटों का बंटवारा भी अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तो है ही भारतीय जनता पार्टी में, तो मौर्य समाज कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आएगा और आधे भारतीय जनता पार्टी में और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी जाते दिखेंगे, तो वोटों का बंटवारा ज़रूर देखने को मिलेगा इस बार। अजहर, अगर ऐसे ही कई और बड़े चेहरे सपा में शामिल हो गए तो क्या बीजेपी को तब झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं सपा प्रवक्ताओं के, वो कह रहे हैं कि अभी और लोग जुड़ सकते हैं सपा से। जी बिल्कुल, इस तरह की बातें तो सामने आ रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कि बदायूं हैं और तमाम उस तरह के मिर्ज़ापुर, उस तरह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, इनके जुड़ने की बात कही जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को पहुँचेगा और सपा कहीं ना कहीं अब काफ़ी मजबूत होती नज़र आ रही है। और चुनाव के ठीक एक महीना पहले जब आचार संहिता लागू हो गई है और नॉमिनेशन में भी अब 3 ही दिन बाकी रह गए हैं और आज मीटिंग भी चल रही थी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कि जो टिकट की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो सूची जारी होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये कदम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बीजेपी को बड़ा झटका ज़रूर है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होती ज़रूर नज़र आ रही। जी जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है सर कि क्या सपा की नीतियों से खुश होके गए हैं सपा में या फिर जो है बीजेपी की नीतियों से ना खुश होके गए हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था तो कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न को लेकर और उनकी समस्याओं को ना पूरा होने के, और जो पिछड़ा वर्ग है लगातार आंदोलित है, चाहे वो शिक्षक भर्ती में हो या तमाम ऐसे आंदोलन जो चल रहे हैं बीते दिनों से, उन तमाम चीज़ों से नाखुश होकर जिस तरह की बात कही गई है इस पोस्ट के द्वारा, इसके हवाले से ये बात सामने निकल कर आ रही है कि इन तमाम मुद्दों से स्वामी प्रसाद मौर्य नाखुश थे। और सीटों को भी लेकर जैसा कि उनको कहा गया कि वो बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे और इसको लेकर वो काफ़ी नाराज़ थे, तो कहीं ना कहीं तमाम बातें हैं जिसको लेकर नाराज़गी थी स्वामी प्रसाद मौर्य में और उन्होंने सपा में शामिल होने की अब कवायद शुरू की। जी जी अजहर,
एक बात ये भी है कि जिस तरह से तस्वीर सामने आई अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो हम कह सकते हैं कि पहले से मिलना जुलना और बैठकों का दौर चल रहा था, जिसके बाद अब ये बड़ा निर्णय लिया गया है, अपने पास इस्तीफा दे दिया, आप सपा में शामिल हो रहे, तो क्या पहले से ये रणनीति बनाई जा रही थी? जी बिल्कुल, लगभग एक हफ्ते पहले से, या कह सकते हैं बीते 10 दिनों पहले से ही ये तमाम तरह की बातें, ये तमाम तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी, कहीं ना कहीं अटकलें लगाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो अनसेटिस्फैक्शन था वो पहले से ही दिखना शुरू हो गया था, और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बढ़ता गया, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने की बात कही, जिस तरह से अखिलेश यादव मंच पर कहते हैं दलितों के हक की बात कहते हैं, और जिस तरह से जो पिछड़ा वर्ग है इसके विकास की बात कहते हैं अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं इससे खुश होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का हाथ थामा है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। जी जी, असर अगर बात करें चुनावी करियर की, तो जिस तरह से बीजेपी के साथ भी रहे हैं और बीएसपी के साथ भी रहे, तो बीएसपी काल में कैसा काम देखने को मिला था स्वामी प्रसाद मौर्य का? जी बीएसपी में, खैर आपको शिखा बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा तो शुरू से ही रहे बीएसपी में भी, जिस तरह से इन्होंने तमाम तरह के जो पिछड़े वर्ग के मुद्दों को लेकर तमाम तरह की बातें कही थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जो डिससेटिस्फैक्शन होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी में गए थे, और इसके बाद जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो तमाम पिछड़े वर्ग के जो ऐसे मुद्दे हैं और जो दलितों के ऐसे मुद्दे हैं, जैसा कि पिछड़ा वर्ग आंदोलित है लगातार, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, तो उन तमाम योजनाओं को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य नाखुश नजर आए हैं, जिसके बाद उन्होंने ये कड़ा कदम उठाया। जी अजहर, हम ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ चलते हैं हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि जब हवा थी बीएसपी की तो बीएसपी के साथ रहे, जब ऐसे ही प्रतीत होने लगा कि बीजेपी की सरकार आने वाली है तो बीजेपी के साथ रहे, तो क्या इस बार सपा की सरकार आने वाली है जो सपा का दमन थाम लिया? जी बिल्कुल, जिस तरह से 2017 की अगर हम बात करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर, एक माहौल देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी की एक लहर देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है, तो एक ये भी कहा जा सकता है, ये भी लोगों का कहना साफ तौर से है कि समय के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य बदलते रहते हैं, और जैसा कि बीएसपी में वो थे और 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, और अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी मजबूत होती जा रही है, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का हाथ थामा है, तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समय के साथ बदलते नजर आ रहे हैं, और जो अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में बेरोजगारी को लेकर और बढ़ती महंगाई को लेकर, ये काफी अहम मुद्दा है, इसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और काफी लोग नाखुश हैं। कानून व्यवस्था में जरूर सुधार देखने को मिला है इन 5 साल के कार्यकाल में, लेकिन कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दे हैं, जो सामाजिक लोगों से जुड़े अहम मुद्दे हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं, और इससे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से जा रहे हैं, एक दूसरा विकल्प चुनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अजहर, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान सामने आया है वो हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, देखिए आप भी। मेरी मांग नहीं मानी जा रही है, अमित शाह से बात, उचित प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा सरकार के संज्ञान में लाते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में लाते रहे, लेकिन बात तो सुनी गई। भाई इस्तीफा देने की बड़ी वजह आपकी नाराजगी, अगला स्टेप क्या होगा इसके लिए आप एक दो दिन का इंतजार, लेकिन दो दिन के बाद मैं आपको सूचना दे पाऊंगा कितने विधायक, कितने मंत्री, कितने मेरे साथ जा रहे हैं। जी बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव के वक्त क्यों याद आए, तो इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, सरकार में मंत्री बना था, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व निभाने का होता है। मैंने आचार संहिता लगने से पहले पहले श्रम सेवा आयोजन समन्वय मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व का बड़े मनोयोग से निर्वहन किया। क्या पुनर्विचार करेंगे क्या इस पर? केशव प्रसाद जी को अपनी दुर्गति पर थोड़ा सा आनी चाहिए, और मुझे सलाह देने के पहले वो खुद अपने को सम्मानजनक स्थिति में लाए। क्या आपको लगता है कि जो पिछला वर्ग के नेता हैं सब साथी की जा रही है पार्टी के भीतर, वो भी इस्तीफा दे दिए? अब स्वाभाविक रूप से जो इस्तीफा दे रहा हूँ उसका मैं स्वागत करता हूँ,
सफाई सब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दो दिन बात करते हैं। आपके साथ कौन जाएगा, आपके साथ कौन जा रहा है, साथ में साथ लेते हुए कौन जा रहा है, कितनी संख्या में जा रहा है, दो दिन बाद इसका भी आपको नतीजा मिल जाएगा। इसलिए कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप मीडिया के लोगों से बात खाली होने के बाद मैं अपने प्रदेश के कार्यक्रम लोगों से बात करूँ। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने फोटो ट्वीट कर दिया, साथ साथ अखिलेश यादव बताते हैं कि कह रहे हैं साथ साथ हम उनसे बात करेंगे और स्वाभाविक रूप से क्योंकि मैं राज्य के बच्चों सहित नहीं जाने का निर्णय तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन कार्यकर्ता से दूर बात कर रहा हूँ। हमेशा कोई भी निर्णय उचित अवसर पर ही लिया जाता है, बेतुका निर्णय कभी नहीं लिया जाता है। उचित अवसर आया, निर्वाचन आयोग ने उसने जारी की, उचित अवसर है, मैंने अपना निर्णय आज इस्तीफा का लिया। श्री राजपाल जी को भेजे पत्र में उल्लेख किया है और काम स्पष्ट है, वही काम है जिसके नाते मैंने इस्तीफा दिया। आपने बसपा से जब इस्तीफा दिया, आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में नई कदम जो है, क्या पुरानी घर वापसी होगी समाजवादी पार्टी में आपकी? संदीप हाँ होता है, क्या नहीं होता है बात करने के बाद आपका बेटी संगीत्रा जो है वो इस समय इस्तीफा दे रही है। टाइफाइड से पीड़ित है संदीप, लेकिन वो पुराने की सांसद है, उसका क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा उसका निर्णय उसके विवेक पर है, लेकिन मैं सरकार का मंत्री हूँ और मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आपके पास साल बीजेपी के कुछ लोग आपको मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, उसके बाद इससे आपकी नाराजगी हो गई कि आपने मंत्रिमंडल से क्या योगी जी से रही या मोदी जी से रही या पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के हितों के विरोध में सरकार के लगातार निर्णय का मैंने विरोध करते हुए आज इस्तीफा दिया। बीजेपी के लोग आपको मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव देखते पहले बसपा बदल लिया और अब बीजेपी बदल रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे सलाहकार नहीं है, अगर उन्होंने अपना कुछ सुझाव दिया है तो मैं उनको सारी बात बताऊं। अब कौन है कौन नहीं है दो दिन स्वामी प्रसाद मौर्य वो ताकत है, जहां खड़े होंगे वहां सरकार बनेगी। इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों किसानों मजलूमों गरीबों की लड़ाई सदो लड़ी है और यही कारण है कि मेरे निर्णय के साथ जो टिकट कोई माने नहीं रखता है, सम्मान 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 से कोई ताकत नहीं होती है और उसके आगे टिकट एक नहीं 100 टिकट उसके आगे बेकार है अगर सम्मान और स्वाभिमान। सम्मान के लिए कितना संघर्ष किया आपने, क्या आपने पार्टी मुखिया से मुख्यमंत्री से मुलाकात की? स्वाभाविक रूप से उचित प्लेटफॉर्म पर सदैव मैं अपनी बात को मुखर होकर के रखता रहा। नाराज दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से और ये कह रहे हैं कि टिकटों को लेकर जो कारण गिनवाया जा रहा है वो कारण नहीं है, 100 टिकटें कुर्बान, लेकिन हाँ यहाँ पर बात स्वाभिमान की है, विचारधारा की है, लिहाजा पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि से पूछा गया कि क्या आप निकल सकते हैं प्लेटफॉर्म पर बात करने की? एक बेटा नहीं हजार बेटे हमारे उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हम उन सब की लड़ाई लड़ते हैं, हम बेटी और बेटी चक्कर में राजनीति करते हैं। ऐसा क्या हुआ पार्टी छोड़नी पड़ी, ऐसा क्या हुआ जो पार्टी छोड़ने का कारण मैंने राज्यपाल जी की स्पष्ट किया है वही जिंदाबाद। अरे मौर्य जी खुलासा होगा कि कौन कौन से मंत्री ज्वाइन होंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कई बातें कही है मीडिया से बात करते हुए और ये भी कहा कि दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है योगी सरकार में, टिकट नहीं, टिकट की बात नहीं है, टिकट मायने नहीं रखता है, सम्मान मायने रखता है, सम्मान की बात